हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ईमेल और व्हाट्सएप दोनों एक साथ भेजने हैं तो आप किस तरीके से भेज सकते हो। दोनों एक ही सिंगल बटन क्लिक करोगे और ईमेल भी चली जाएगी और व्हाट्सएप भी चले जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है एक शीट बना रखी है, इस शीट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने कस्टमर का नाम डाल दिया, यहाँ मैंने उसकी कंपनी का नाम डाल दिया, या मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया जिसपे मेरे को व्हाट्सएप करना है, या मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया जिसपे मेरे को ईमेल भेजनी है, यहाँ मेरे को जो है किसी को परचेज ऑर्डर भेजना है तो मैंने यहाँ पे परचेज ऑर्डर का नंबर लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे उसका अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे मेरे को उसको एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है वो मैंने लिख दी, यहाँ पे आगे मैंने कुछ हेडर ब्लैंक छोड़े हैं, यहाँ पे आपका और भी कोई मैसेज है तो वो भी आप यहाँ पे जो है डिटेल यहाँ पे एड कर सकते हो। आपका एड्रेस हो गया, आपको क्या उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें और भी आप एड कर सकते हो। और इसको जो है पीओ के लिए मैंने यूज में लिया है, आप इसको मल्टीपल अलग अलग सिस्टम में काम में ले सकते हो, पेमेंट रिमाइंडर में काम में ले सकते हो, और किसी बर्थडे विशेष, ग्रीटिंग विशेष, कहीं पे भी आप इसको काम में ले सकते हो। जहां पे भी आपको व्हाट्सएप और ईमेल दोनों एक साथ भेजना है वहां पे आप ये टूल काम में ले सकते हो। तो यहाँ मैंने जो है नंबर डाल दिया, यहाँ मैंने ईमेल आईडी दोनों डाल दी है, यहाँ मेरे को जो भी डिटेल मेरे को चाहिए वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद में अगर मेरे को कोई अटैचमेंट भेजना है तो मैं यहाँ पे अटैचमेंट डाल दूंगा, यहाँ अटैचमेंट आपकी पीडीएफ हो सकती है, आपकी कोई इमेज है तो वो हो सकती है, कुछ भी यहाँ पे जो भी अटैचमेंट आपको लेना है वो यहाँ पे आप अटैचमेंट डाल सकते हो। अटैचमेंट जो है वो एनीवन विद द लिंक पब्लिक रहना चाहिए तभी अटैचमेंट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका एक टेम्पलेट रहेगा, इस टेम्पलेट के अंदर आपको क्या लैंग्वेज भेजनी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला है कि हेलो लिखा जाएगा फर्स्ट में, फिर कस्टमर का नाम लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा प्लीज फाइंड द परचेज ऑर्डर कॉपी इन अटैचमेंट, फिर पीओ नंबर जो है वो जाएगा मैसेज से, डिलीवरी डेट मैसेज से उठेगी और पीओ का जो अमाउंट है वो भी उठेगा, और सेम मैसेज जो है यहाँ पे जाएगा ईमेल में, ईमेल में यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जाएगा और यहाँ पे जो है बॉडी के अंदर ये मैसेज जाएगा। ये मैसेज डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि इसका पीओ अमाउंट क्या है, परचेज ऑर्डर क्या है, यहाँ हेडर से जो है ऑटोमेटिकली मैसेज बन के जाएगा। तो अब जो है ये टूल किस तरीके से काम करता है, तो मैं अभी इसको सीट को जो है व्हाट्सएप रन कराता हूँ, आप देखोगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे रन कराऊंगा यहाँ पे जो है आपके सामने स्टेटस जो है यहाँ पे सेट लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पे जो है लास्ट अपडेट कब हुआ है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी जो है मैं आपके सामने इसको रन कराता हूँ, तो यहाँ जो है मैंने सेंड नाउ का बटन दबाया है, अब जो है स्क्रिप्ट रन कर रही है, अब जो है ये व्हाट्सएप का मैसेज और ईमेल जो है दोनों एक साथ भेजना चालू कर देंगे। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे सेंड लिखा हुआ आ गया है। तो अभी मैं आपको मेरा व्हाट्सएप वेब खोल के दिखाता हूँ और जो है मेरा जो ईमेल आईडी है वो खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ मेरे अभी ईमेल आईडी कोई आई भी नहीं है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ आप देखोगे कि मेरे पास परचेज ऑर्डर जो है वो आ गया है, पीओ का नंबर यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ जो है जो मैंने लैंग्वेज सेट करी थी वो लैंग्वेज आ गई है, और यहाँ पे जो है मेरा अटैचमेंट आ चुका है। तो यहाँ पे जो है मेरा अटैचमेंट आ चुका है और यहाँ जो है मेरे पास ईमेल आ चुकी है। ऐसे ही आप व्हाट्सएप पे जाओगे तो आप यहाँ देखोगे कि मेरे पास जो है अटैचमेंट आ चुका है, यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल, और यहाँ जो है मेरे पास मैसेज आ चुका है जो भी मेरे पास मैसेज आना चाहिए था। अभी इसी तरीके से मेरे पास दूसरा अटैचमेंट आ गया जिसमें मैंने एक इमेज रखा था, तो इमेज जो है आपके सामने यहाँ पे दिख रही है सिंगल मैसेज में बन के आ रहा है एज ए कैप्शन, तो इमेज भी आ रही है और पूरा मैसेज भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पे पूरा अटैचमेंट आ जाएगा या आपको जो मैसेज चाहिए वो मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। अगर आपको इस तरीके का सिस्टम हमसे बनवाना है आप हमसे ये सिस्टम बनवा सकते हैं, और आपको ये सीट परचेज करनी है तो आप हमसे ये सीट परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।